अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम ऑटो कैड में देखेंगे कि हैच टूल क्या है और हैच टूल को हम किस तरह ऑटो कैड में यूज़ कर सकते हैं और इसकी ड्राइंग में इसका क्या यूज़ है। हैच टूल आपकी ड्राइंग में, आपकी ऑटो कैड की ड्राइंग में फिल करने के काम आता है। आप इसमें पैटर्न फिल, सॉलिड फिल और ग्रेडियंट फिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मेरे पास यहाँ पर मैंने तीन सर्कल ऑलरेडी यहाँ ड्रॉ कर रखे हैं। अगर मैं यहाँ ड्रॉ के ग्रुप में देखूँ तो यहाँ हमारे पास आ रहा है हैच टूल। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर हैच क्रिएशन के नाम से एक नया टैब ओपन होगा। अगर आप अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की टाइप करते हैं एच और इंटर प्रेस करते हैं तब भी आपके पास हैच क्रिएशन का ये टैब ओपन होकर आ जाएगा। इसको हम डिटेल से देखने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स में अगर हम यहाँ पर डिटेल देखें तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है हमारे पास सॉलिड। आपके पास डिफरेंट सॉलिड कलर में आप फिल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँ तो मज़ीद भी ऑप्शंस आ रहे हैं, ग्रेडियंट, पैटर्न, जिन्हें हम डिटेल से देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पैटर्न पर क्लिक करूँगा और फर्स्ट ऑप्शन हम यहाँ से यूज़ करेंगे पिक पॉइंट। जैसे ही आप पिक पॉइंट पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट में आप कर्सर को लेकर जा रहे हैं। मैं फिलहाल क्लिक नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कर्सर को हॉवर कर रहा हूँ, कर्सर वो को वहाँ पर लेकर जा रहा हूँ। जैसे ही आप कर्सर इसके सेंटर पॉइंट पर, आप इंटरनल पॉइंट पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये आपके पैटर्न को फिल करता जाता है। जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे ये आपके पैटर्न को फिल करता जाएगा और दोबारा पिक पॉइंट पर क्लिक करके हम दोबारा इसे फिल भी कर सकते हैं। इसे डिलीट करने का तरीका भी हम सीखते हैं। यहाँ रिमूव पर क्लिक करेंगे और किसी भी आपके ऑब्जेक्ट की जो बाउंड्री है, किसी भी बाउंड्री पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पैटर्न फिल है वो डिलीट हो जाएगा या रिमूव हो जाएगा। इसी तरह हम चाहते हैं कि पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पैटर्न्स हैं वो फिल हों, तो उसके लिए आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और किसी भी ऑब्जेक्ट के लाइन पर जाकर, बाउंड्री पर जाकर क्लिक करेंगे तो उस पूरे ऑब्जेक्ट पर आपका पैटर्न फिल हो जाएगा। इसी तरह सेकंड पर जाकर हम क्लिक करते हैं एंड थर्ड पर हम क्लिक करते हैं तो ये आपका पैटर्न फिल हो रहा है। इसी तरह रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप बाउंड्री पर जाकर क्लिक करेंगे तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं, वेरी सिंपल। इसी तरह अगर मैं यहाँ से पिक पॉइंट से जाकर इसमें पैटर्न्स को फिल कर दूँ, फिल करने के बाद आप यहाँ से बहुत सारे पैटर्न्स देख सकते हैं। यहाँ अगर आप स्क्रॉल बार को डाउन करें तो बहुत ज़्यादा पैटर्न यहाँ पर मौजूद हैं। कोई भी पैटर्न आप यहाँ से फिल कर लें, जैसे मैं यहाँ पर इस पैटर्न को फिल कर रहा हूँ और ये आपको स्ट्रेट अवे कलर दिखा रहा है। राइट साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है स्केलिंग का। अगर आपको कोई पैटर्न इस तरह क्लियर नजर ना आए तो आप उसे स्केलिंग करके, उसे स्केल करके आप यहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे पैटर्न्स हैं, एक एक करके आप इन्हें अप्लाई करें, वेरी यूजफुल। यहाँ पर देखें, अब ये पैटर्न है, इसकी स्केलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर हम इसकी स्केलिंग को कम करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा। उसके बाद बहुत सारे पैटर्न हैं, नीचे आए तो हमारे पास यहाँ पर कुछ कलर्स के पैटर्न भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट पर दो तरह के पैटर्न अप्लाई करें तो आप एक पैटर्न को अप्लाई करने के बाद, जैसे आपने इस पैटर्न को अप्लाई किया, यहाँ पर क्लोज हैच क्रिएशन पर क्लिक करेंगे तो ये पैटर्न इस पर अप्लाई हो चुका है। आप इस पर क्लिक करके भी इसे डिलीट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ फॉर अंडू। ये हमारे पास जो पैटर्न है वो अप्लाई हो चुका है। अगेन मैं एच प्रेस करूंगा और इंटर प्रेस करने के बाद अगेन मैं यहाँ से पिक पॉइंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने पैटर्न की जगह मैं यहाँ से ग्रेडियंट को सेलेक्ट करता हूँ और किसी भी पॉइंट पर आकर क्लिक कर दें तो देखें आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट में दो आपके पैटर्न अप्लाई हो रहे हैं, एक ग्रेडियंट और एक पैटर्न अप्लाई हो रहा है, दो हैच आपके अप्लाई हो रहे हैं। इस तरह आप डिफरेंट हैचेस अप्लाई कर सकते हैं। इनकी डायरेक्शन, कलर डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ से आप इनके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। आपके जो ग्रेडियंट का कलर है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कुछ इस तरह का बनाना चाहें, कुछ इस तरह का बनाना चाहें, या फिर रेड कलर्स वगैरह, येलो कलर वगैरह को यूज़ करना चाहें तो डार्क कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट कलर्स भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम डिफरेंट पैटर्न्स को चेंज करना चाहें तो ये जो बैक पे आपका पैटर्न शो हो रहा है इस पैटर्न को आप चेंज कर सकते हैं। ग्रेडियंट में तो खैर ये नहीं चेंज होगा, ग्रेडियंट में आपके ग्रेडियंट पर ही फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से पैटर्न चूज करते हैं और पैटर्न को चेंज करना चाहते हैं तो आप पैटर्न को भी चेंज कर सकते हैं।
सो डिफरेंट पैटर्न्स हैं, आप इन्हें यूज़ करके देखें एक एक करके, और कोई पैटर्न आपको स्ट्रेट नज़र आए ठीक है, तो आप उसे यहाँ से उसकी स्केलिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप पैटर्न के कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप पैटर्न के कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रेड कलर में रख रहा हूँ, इसी तरह अगर मैं पैटर्न को चेंज कर दूँ, यहाँ से जाकर मैं कोई स्टार्ट से कोई पैटर्न ले रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आपको ये पैटर्न कुछ ऐसा पैटर्न हो जो आपको क्लियर नज़र आए। ये आपको पैटर्न क्लियर नज़र आ रहा है, मैं इसकी स्केलिंग को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और इसके कलर को हम चेंज कर लेते हैं रेड कलर में। तो ये आपके पास देखें रेड कलर में चेंज हो चुका है। सो इसका बैकग्राउंड भी रखना चाहें तो यहाँ नीचे से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट आपके पैटर्न के कलर को चेंज करेगा और सेकंड आपका बैकग्राउंड कलर चेंज करेगा। सो मैं यहाँ से इसे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ लाइक ब्लैक, ताकि हमें क्लियर नज़र आए। और उसके बाद आती है एंगल की, ये जो आपके पैटर्न है इसके एंगल को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखें क्लिक करके राइट या लेफ्ट डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो आप इस पैटर्न के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। यहाँ बात कर लेते हैं ट्रांसपेरेंसी की। ट्रांसपेरेंसी के लिए मेक श्योर कि आपका यहाँ बॉटम पर टॉगल बटन्स में से ट्रांसपेरेंसी बटन ऑन होना ज़रूरी है। अगर ये ऑन होगा तो ये वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। सो इसकी ट्रांसपेरेंसी 30 पर है। अगर ट्रांसपेरेंसी को मैं यहाँ से कम करूँ तो देखें ये ब्लैक कलर आपका सॉलिड होता जा रहा है, और अगर इसे मैं राइट साइड पर लेकर आऊँ तो यहाँ पर देखें आपकी दोनों चीज़ों पर, बैकग्राउंड पर भी और आपके पैटर्न पर भी ट्रांसपेरेंसी अप्लाई हो रही है, और ये आपका यहाँ से देखें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो रहा है। सो ट्रांसपेरेंसी के लिए याद रखें कि आपका ये टॉगल बटन में से ट्रांसपेरेंसी ऑन होना ज़रूरी है। सो मैं इस ट्रांसपेरेंसी को यहाँ से ज़ीरो कर देता हूँ। यहाँ से आप एंगल को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप स्केलिंग कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, और यहाँ से आप डिफरेंट पैटर्न्स को अप्लाई करके देख सकते हैं। सो जो भी पैटर्न आपको चाहिए आप उस पैटर्न पर क्लिक करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से आप एंगल चेंज करें और यहाँ से आप इसके स्केलिंग वगैरह भी करें और एंगल को भी चेंज करें, और यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ रिमूव पर क्लिक करने के बाद किसी भी पॉइंट पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपका ये ट्रांसपेरेंट जो आपकी जो आपने अप्लाई किए हैं ये पैटर्न्स वगैरह ये आपके डिलीट हो जाएंगे, और आपका सिंपल जो हमने अप्लाई किया था वो आपका यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। सो मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पर ले आता हूँ, सॉरी। सो आप सिंपल क्लिक करके डिलीट भी करेंगे तो आपका जो पैटर्न है वो डिलीट हो जाएगा। अगेन हम एच पर क्लिक करते हैं, एच पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से पैटर्न के बाद हम सॉलिड कलर की बात कर लें तो डिफरेंट सॉलिड कलर्स भी हमारे पास मौजूद हैं। अगर हम इसमें से पिक पॉइंट से जाकर सिंपल क्लिक करेंगे तो क्योंकि हमारे पास जो कलर सेलेक्ट है वो है हमारा रेड कलर, यहाँ पर देखें अगर तो ये हमारा आ रहा है रेड कलर, और अगर हम इसके कलर को चेंज करें तो हम इसके कलर को चेंज भी कर सकते हैं। तो कोई भी सॉलिड फिल आप इसमें कर सकते हैं, पैटर्न की जगह सॉलिड फिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इस सॉलिड को ख़त्म करना चाहूँ, यहाँ पर मैं इस फिल को ख़त्म करना चाहूँ तो रिमूव पर क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट के बाहर बाउंड्रीज पर क्लिक करता जाऊँगा तो ये आपका जो फिल है ये ख़त्म होता जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। सो दैट्स इट। अगेन मैं यहाँ से पिक पॉइंट क्लियर करता हूँ और सिर्फ अंदर की तरफ इन साइड मैं यहाँ से कलर फिल करता हूँ। इस फाइल को थोड़ा सा मैं इंटरेक्टिव बनाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट करूँगा। उससे पहले मैं अगर बाहर क्लिक करता हूँ तो ये एक एरर दे रहा है आपको, तो आपने यहाँ से याद रखिएगा कोई भी पैटर्न अप्लाई करने के बाद आपने यहाँ से क्लोज हैच क्रिएशन पर लाजमी क्लिक करना, तब जाकर आपके ये हैच अप्लाई हो जाएगा। अब हम यहाँ पर अगर सेलेक्ट करते हैं इस ऑब्जेक्ट को, सिलेक्शन के बाद हम यहाँ पर जाएंगे ट्रिम, ट्रिम पर जाने के बाद हम जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं इनको यहाँ से ट्रिम करें तो आपके पास कुछ इस तरह की शेप्स हो गई हैं, जो लाइक लोगो टाइप, जैसे हम लोगो वगैरह को डिज़ाइन करते हैं डिज़ाइनिंग टूल्स के अंदर, ये बिल्कुल उसी तरह की एक शेप आपके पास यहाँ पर डिज़ाइन होकर आ चुकी है। सो मैं इसे यहाँ पर बिल्कुल यहाँ रख लेता हूँ। तो देखें आपका जो पैटर्न है ये बिल्कुल अलग है। अगर मैं स्केप का बटन प्रेस करूँ तो ये जो कलर्स हमने यूज़ किए हैं या जो सॉलिड फिल यूज़ किया है या जो आपके ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए गए हैं ये बिल्कुल अलग अलग हैं। सो मैं यहाँ से वापस कंट्रोल जेड का इस्तेमाल करता हूँ, ये आप दोबारा यहाँ पर फिट हो चुके हैं। अगर आप इसके सेंटर पॉइंट पर क्लिक करते हैं और डिलीट का बटन प्रेस करते हैं तो आप इसका सॉलिड फिल भी डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह अगेन हैच पर क्लिक किया
क्लिक करने के बाद आपके बार में यहाँ से एक पैटर्न को फिल कर रहा हूँ, और पैटर्न में से मैं यहाँ से स्टार्ट से कोई भी बेसिक सा एक पैटर्न इसमें फिल कर देता हूँ, पिक पॉइंट एंड देन क्लिक 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 एंड देन क्लिक। सो इसकी एंगल को चेंज कर रहे हैं, इसकी जो स्केलिंग है वो कम कर लें, एंड इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी नॉर्मल कर लें, ठीक है। और यहाँ से कलर भी आप रेड कर दें, और बैकग्राउंड कलर भी आप इसका चेंज कर सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल। सो ब्लैक ही रहने दें क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, विजिबल है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको अप्लाई करूँ, बाहर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये आपको कह रहा है कि यहाँ से क्लोज करें हैच क्रिएशन को। जैसे ही क्लोज करेंगे तो ये आपका पॉइंट या आपका जो हैच है वो इस पर अप्लाई हो चुका है। मैं अब इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर ड्रैग करता हूँ, यहाँ पर मैं मजीद एक सर्कल ड्रॉ कर लूँ, लाइक सिंपल एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ड्रॉ करने के बाद मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद इसको मैं थोड़ी सी पोजीशन नीचे की जाने मूव कर रहा हूँ, और मूव करने के बाद हैच टूल के बाद मैं यहाँ से कोई भी पैटर्न फिल करूँगा, और अगले फीचर्स को हम समझते हैं। सो यहाँ से मैं एक पैटर्न चूज करने के बाद पिक पॉइंट एंड देन क्लिक कर दिया, तो ये हमारे पास पैटर्न ये शो हो गया। मैं एक और सर्कल ड्रॉ कर दूँ, सर्कल ड्रॉ करने के बाद जो फर्स्ट हमने चूज़ किया है, फर्स्ट ऑप्शन जो चूज़ किया है वो हमने एसोसिएट को ऑन करके हमने किया है। अब नॉन एसोसिएट पे हम ये इसमें पैटर्न को ड्रॉ करते हैं, हैच में जाएं, हैच में जाने के बाद आप इस ऑप्शन को एसोसिएट को हटा दें। सो अब अगर मैं इसमें पैटर्न फिल करूं तो बिल्कुल पैटर्न फिल होगा। दोनों में फर्क सिर्फ ये है कि अब अगर मैं इसको थोड़ा सा इसके साइज को बड़ा करने की कोशिश करूं, यहां से क्लिक कर दूं, तो ये आपका इस सर्कल के साथ साथ नॉन एसोसिएट में ये चीज़ हो रही है कि आपके सर्कल के साथ साथ आपका जो पैटर्न है वो एक्सपेंड नहीं हो रहा, वो इसके साथ साथ फैल नहीं रहा। जबकि एसोसिएट में एक बात है कि अगर हम इसके साइज को इंक्रीज करें या इसके साइज को डिक्रीज करें, तो आप गौर करेंगे कि आपके पैटर्न के साथ साथ आपके सर्कल के साथ साथ आपका जो पैटर्न है वो भी एक्सपेंड हो रहा है। तो ये आपका एसोसिएट और नॉन एसोसिएट में ये फर्क है। सो आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगेन मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, और सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर क्लिक करता हूँ हैच, एंड यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है एनोटेटिव। एनोटेटिव को हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ये मुकम्मल एनोटेटिव स्केलिंग है, इसे इंशाल्लाह हम डिटेल से देखेंगे। मैच प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक पैटर्न इस पर अप्लाई कर लिया, अगेन मैं यहाँ गया और मैंने एक और सर्कल को यहाँ से यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब मैं चाहता हूँ यही जो आपका पैटर्न है सेम कलर्स के साथ मैं इस पर भी अप्लाई करूँ। तो मैच प्रॉपर्टीज पर क्लिक करने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका सेम पैटर्न सेम कलर के साथ इस पर भी अप्लाई कर देगा। और लास्ट में ऑप्शन आ रहा है क्लोज हैच क्रिएशन, जब भी आप कोई भी पैटर्न वगैरह आप ग्रेडियंट वगैरह या कोई भी फिल आप अप्लाई करते हैं, तो लास्ट आप क्लोज हैच क्रिएशन पर क्लिक करेंगे तो ये आपके जो पैटर्न है वो आपके इन सर्कल या आपके ऑब्जेक्ट्स में अप्लाई हो जाएगा। सो ये था हमारा हैच टूल। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है उसके लिए माजरत। अगली वीडियोस में इंशाल्लाह मज़ीद कुछ टूल देकर आएंगे। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, सलाम वालेकुम।